हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज के लाइव टेस्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। फाइनली आज दिसंबर मंथ के ट्रिपल सी एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। इस बार का रिजल्ट काफी अच्छा है, काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है, काफी लोगों ने ट्रिपल सी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। तो काफी सारे मैसेज और कमेंट्स मुझे सुबह से रिसीव हो रहे हैं और काफी अच्छे ग्रेड से लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आप लोगों का भी एक अच्छा सा ग्रेड आएगा। तो हमें रिप्लाई करके जरूर बताइएगा कि आपका रिजल्ट क्या आया। ओके, तो मेरी तरफ से एक छोटा सा टिप्स है, अगर आप ट्रिपल सी का एग्जाम एक बार में अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस जरूर तैयार करें, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो से प्रैक्टिस करें, एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगी। और कैसे करना है ऑलरेडी मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, तो आई होप आप सभी को पता होगा। आपको हमारे चैनल पे पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। ओके, और एक और दूसरा टिप्स है, अगर आप ट्रिपल सी के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.gyanexp.com। यहां से आपको ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट देने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से आप ट्रिपल सी एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का सबसे पहला स्क्रीन पे है, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितने लोग देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विंडोज में शॉर्टकट का एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे कई अलग अलग फाइल के एक्सटेंशन होते हैं .txt, .txt, .doc, .xls, इस तरीके से हर एक फाइल टाइप का एक एक्सटेंशन होता है। तो जो हमारा शॉर्टकट्स होता है, जो कि विंडोज में हम किसी भी शॉर्टकट को क्रिएट करते हैं, जैसे माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, इन सब के आइकन्स का आप शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का कितने लोग करेक्ट आंसर देंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल चुका है, काफी लोग हैं इसमें कंफ्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अलग से नोट डाउन करिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, LNK, यहाँ पे .LNK एक्सटेंशन होता है, जो कि हमारे विंडोज के शॉर्टकट, जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं उनका एक्सटेंशन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियल कम्युनिकेशन लिंक लेयर पर डेटा भेजने के लिए आवश्यक तारों की न्यूनतम संख्या क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रिप्लाई करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर मिल चुका है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है A2, मिनिमम 2 केबल्स या वायर्स रिक्वायर्ड होते हैं कम्युनिकेशन लिंक लेयर पे डेटा भेजने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दो क्वेश्चन एक साथ स्क्रीन पे दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आईपी एड्रेस 127.0.0 एक लोकल आईपी एड्रेस है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन होगा हमारा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे 127.0.0.0 एक हमारा रिजर्व आईपी एड्रेस होता है और ये नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये है फॉल्स। और ये जो हमारा 127.0.0 जो आईपी एड्रेस है, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस। और इसी तरीके से अगर लास्ट में यहाँ पे कहीं लगा होता है 1, इस 0 की जगह पे अगर हम 1 लगाते हैं तो ये हमारा लूप बैक आईपी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे 1 लगा हुआ है तो ये हमारा लूप बैक आईपी होगा, और अगर यहाँ पे 0 दिया हुआ, इट मींस नेटवर्क एड्रेस। ओके, तो ये रिजर्व आईपीज होते हैं, लोकल आईपी एड्रेस नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलअप कनेक्शन को आवश्यकता होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है डायलअप कनेक्शन, तो इसमें किसकी नीड होती है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। ओके, तो बिल्कुल सही, काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए, मॉडम। मॉडम चाहिए होता है आपको डायलअप कनेक्शन में, इंटरनेट कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए 3 मूल तत्व कौन से होते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आई होप मैक्सिमम लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आ चुका है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, मॉडम। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम आईएसपी बोलते हैं, और आईएसपी का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आईएसपी जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको भी आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। एंड ब्राउजर, ये 3 चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, मॉडम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर
एंड ब्राउजर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिट का अर्थ है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो बिट का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, बिल्कुल सही, काफी लोगों ने करेक्ट आंसर रिप्लाई किया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह बी, बाइनरी डिजिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो कई बार इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4G नेटवर्क में डेटा प्रसारण की गति क्या होती है? जो हमारा 4G नेटवर्क होता है उसमें डेटा किस स्पीड से ट्रांसफर होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक रेंज दी गई है, देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 100 Mbps to 1 Gbps, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाईफाई का पूर्ण अर्थ क्या होता है, मींस वाईफाई का हमें फुल फॉर्म बताना है। और आई होप मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जरूर देंगे, क्योंकि इस टॉपिक को हम काफी डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर मिल चुका है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वायरलेस फिडेलिटी, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने डिफॉल्ट सर्च इंजन को वेब ब्राउजर में बदल सकते हैं। तो जो हमारा डिफॉल्ट सर्च इंजन होता है, जैसे कि आप कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं, गूगल क्रोम अगर आप यूज करते हैं, तो वहां पे डिफॉल्ट सर्च इंजन लगा होता है गूगल। और इसी तरीके से आप अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं, तो वहां पे भी कोई डिफॉल्ट सर्च इंजन लगा रहता है, जैसे बिंग, या इस तरीके से कोई भी डिफॉल्ट सर्च इंजन लगा रहता है। क्या उसमें आप उस डिफॉल्ट सर्च इंजन को चेंज कर सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर मिल गया हमें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ट्रू, हाँ, हम डिफॉल्ट सर्च इंजन जो भी लगा होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसमें आपको ऑप्शन मिलता है लिस्ट में, याहू, गूगल, जितने भी कई अलग अलग तरीके के सर्च इंजन होते हैं, उनमें से आप कोई भी सर्च इंजन सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये ब्राउजर में फैसिलिटी अवेलेबल होती है, आप डिफॉल्ट सर्च इंजन को चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IM का प्रोटोकॉल है। तो सबसे पहले IM का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंस्टेंट मैसेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग का जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलग से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर मिल चुका है, हालांकि काफी लोग इस क्वेश्चन में है कंफ्यूज। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है वो है XMPP, ये करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर स्थित कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर रिमोट लोकेशन पे या किसी दूसरी लोकेशन पे कोई सिस्टम है, उसको अगर हमें अपने सिस्टम से कंट्रोल करना है, तो उसके लिए इनमें से क्या यूज करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, और इस क्वेश्चन को कई अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आ चुका है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, टेलनेट। टेलनेट एक प्रोटोकॉल होता है जो हमें रिमोट एक्सेस में हेल्प करता है, या रिमोट एक्सेस के लिए यूज होने वाला प्रोटोकॉल टेलनेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्योर हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, उसके बाद ही उसका करेक्ट आंसर रिप्लाई करें। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आ चुका है। अगर आपको राइट अलाइनमेंट, दाएं मींस राइट अलाइनमेंट करना है, तो कंट्रोल प्लस आर यूज करते हैं, और अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस एल, और अगर आपको सेंट्रल अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस ई होता है सेंट्रल अलाइन करने की शॉर्टकट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस टोपोलॉजी में जुड़े कंप्यूटर केबल के टूट जाने पर अन्य कंप्यूटर का कार्य बाधित नहीं होता है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है, तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है, अगर इसमें से कोई भी टर्मिनल या कोई भी कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो जाता है, या केबल उसका डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उस केस में ऐसा नहीं कि बाकी सारे सिस्टम हमारे आउट ऑफ नेटवर्क हो जाएंगे, वो प्रॉपर नेटवर्क में रहते हैं और कम्युनिकेशन वहां पे चलता रहता है।
जबकि अगर हम रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो वहां पे अगर एक भी सिस्टम कोई डेड होता है या कम्युनिकेशन टूटता है तो उस केस में पूरा का पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। तो ये भी याद रखिएगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें एक सिस्टम के डिस्कनेक्ट होने पे या एक वायर के टूटने पे पूरा का पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, तो उस केस में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा रिंग टोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से ईमेल भेजने के लिए किसकी भूमिका मुख्य है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर मिल चुका है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी, इंटरनेट। इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट की मुख्य भूमिका होती है। अगर आप किसी को मेल करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तभी आप किसी को मेल कर सकते हैं, और यहाँ पे ब्राउजर अगर नहीं है तो उसके लिए हम एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, कई अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, और गूगल कोई जरूरी नहीं है क्योंकि कई अलग अलग मेल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी, इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस से बाएं मीन्स लेफ्ट बटन को 3 बार क्लिक करने पर पूरा वाक्य सेलेक्ट हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। ओके, तो यहाँ पे काफी सारे लोग हैं कंफ्यूज, काफी लोगों को ट्रू लग रहा है, काफी लोगों को फॉल्स लग रहा है, तो मैं इस कंफ्यूजन को करता हूं दूर। अभी देखिए, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेंटेंस सेलेक्ट हो गया, जो हमारा वाक्य है वो सेलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3 टाइम क्लिक करता हूं, अगर डबल क्लिक करता हूं तो सिर्फ एक वर्ड सेलेक्ट होता है, अगर मैं यहाँ पे 3 टाइम क्लिक करता हूं तो उस केस में देखिए पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है माउस के बाएं मीन्स लेफ्ट बटन को 3 बार क्लिक करने पर पूरा वाक्य सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फॉल्स है, क्योंकि पूरा वाक्य सिर्फ डबल क्लिक पे सेलेक्ट होता है, और जबकि अगर हम 3 टाइम क्लिक करते हैं लेफ्ट बटन को तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या ईमेल से संबंधित नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें भी काफी सारे लोग लग रहे हैं कंफ्यूज, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। जो हमारा ईमेल होता है उसमें फूटर नहीं होता है, ईमेल का एक पार्ट होता है हेडर, सेंड टू और सिग्नेचर, ये ईमेल के पार्ट्स हैं, जबकि फूटर ईमेल का पार्ट नहीं है, तो इसी वजह से ईमेल से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक साथ 2 क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17, 8 बाइट एक निबल के बराबर होता है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से होगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे 4 बिट इक्वल 1 निबल होता है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, और ये शॉर्टकट की वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों में कॉमन होती है। तो दोनों, इन तीनों में से किसी एक पे अगर स्पेशली लिखा हुआ है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है, या एक्सेल में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है, या पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है, तो इन तीनों में कॉमन शॉर्टकट की होती है, मीन्स सेम शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, F7 स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी है? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, फिजिकल लेयर हमारी OSI मॉडल की सबसे पहली लेयर है, जबकि अगर लास्ट लेयर की बात की जाए तो एप्लीकेशन लेयर सबसे लास्ट लेयर होती है। और अगर इसको आप याद करना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला होता है APSTNDP, ये आप याद कर लीजिए, इससे सारी लेयर्स आपको याद हो जाएंगी। यहाँ पे पी का मतलब है ये इस तरीके से इधर से गिना जाएगा, और इस तरीके से राइट से लेफ्ट की तरफ आते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लेयर हमारी फिजिकल लेयर होती है, फिर डेटा लिंक लेयर होती है, फिर नेटवर्क लेयर होती है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, फिर सेशन लेयर होती है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर होती है, और फिर एप्लीकेशन लेयर होती है। इस तरीके से टोटल 7 लेयर्स होती हैं। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो ये आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, और इसके फुल फॉर्म भी आप कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं, और इस तरीके से आप किसी भी लेयर की काउंटिंग भी बता सकते हैं कि उसकी पोजिशन क्या होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में अधिकतम जूम कितने परसेंट होता है? ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप सभी को इसका करेक्ट आंसर पता होगा। ओके, तो बिल्कुल सही आंसर मिल चुका है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी 400%, जबकि वर्ड की बात होती है तो यहाँ पे 500% करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एमएस एक्सेल में पेज बॉर्डर सेट कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रिप्लाई करते हैं। ओके, तो बिल्कुल सही, काफी लोग इसमें हैं कंफ्यूज और काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन सही है, नहीं सेट कर सकते आप एक्सेल में पेज बॉर्डर सेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू, क्योंकि मल्टी यूजर, मल्टी टास्किंग, मल्टी टाइम शेयरिंग, ये सारे फीचर्स होते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, और लिनक्स एक हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक ये पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस का उपयोग एक्सेल में वर्तमान समय की प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, मींस अगर आप टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं एक्सेल में तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, अगर आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर जरूर दे पाएंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मिल चुका है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फॉल्स, क्योंकि यहां पे हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस कॉलन। आप लोगों में से काफी लोगों को करेक्ट आंसर पता होगा, CTRL प्लस कॉलन हम यूज करते हैं यहाँ पे, इसकी शॉर्टकट की होती है, इससे आप एक्सेल में किसी भी सेल में डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लंबी दूरी के वैन को, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में काफी सारे लोग हैं कंफ्यूज, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है मैं बता दे रहा हूं जल्दी से, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह सी, रूटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो लंबी दूरी के वैन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, बेसिक का पूर्ण रूप है, तो बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो उम्मीद करते हैं काफी सारे लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जरूर रिप्लाई करेंगे, और लास्ट में आपको टोटल क्या स्कोर मिला है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आ चुका है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबोलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है, अगर आपको नहीं पता था तो आप इसको नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ओके, तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हैशटैग ज्ञानएक्सपी स्पेस अपना क्वेश्चन टाइप करके किसी भी वीडियो में आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, साथ में हमारे वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी पे शेयर करते रहिए, ताकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और उन सभी की मैं हेल्प कर पाऊँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें, ताकि जब भी हमारा लाइव टेस्ट या कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप लोगों के लिए मैंने वेबसाइट स्टार्ट की है www.gyanexp.com, तो आप यहाँ से CCC के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं info@gmail.com। ओके, तो काफी लोगों ने आज CCC का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछते रहिए, उम्मीद करते हैं आज आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।